हेलो फ्रेंड्स, मैं सरल सात्विक टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए दही बड़े की रेसिपी, जो कि बनेंगे उड़द की दाल से, बिना कोई मिलावट वाले सिंपल उड़द दाल के ये वड़े। अगर आपके वड़े ठस हो जाते हैं या उनमें गांठ पड़ जाती है और आपको अगर ऐसा लगता है कि इनको बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, फ्लफी और स्पॉन्जी दही बड़ों को बनाना बहुत मुश्किल है, तो आज आप मेरी इस रेसिपी को एंड तक जरूर देखिएगा। बिल्कुल देसी स्टाइल में, दादी नानी के बताए तरीके से मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे उड़द दाल के दही बड़े बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दही बड़े बनाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने ये स्प्लिट वाली, मतलब जो कटी हुई उड़द की दाल होती है, यानी कि ब्लैक ग्राम लेकिन बिना छिलके वाली और कटी हुई वाली, ये उड़द दाल ली है। तो एक छोटी कटोरी ली है क्योंकि ये फूलने के बाद, भीगने के बाद बहुत ज्यादा क्वांटिटी जो है वो काफी डबल से भी ज्यादा हो जाती है। तो मैंने इसको अच्छे से वॉश करके सोक किया था ओवरनाइट, तो आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी कटोरी थी और ये कितने अच्छे से डबल हो गई है वॉल्यूम में। तो इस टाइम पे मैं इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो स्ट्रेन आउट कर दूंगी। दही बड़े बनाने में जो सबसे खास बात है वो है आपकी जो दाल है वो कितनी अच्छी पिसी है, और दूसरी चीज कि आपकी जो दाल है वो कितनी अच्छी फिटी हुई है, यानी कि कितना अच्छा फेटा है, कितना एरिएशन है उस दाल में। अगर आपने सुना होगा कि ब्रेड्स में, केक्स बनाने में एक एरिएशन आता है, तो वही एयर हमें इस दाल को बीट करते टाइम इनकॉर्पोरेट करनी है। तो यहाँ पे ये जो दाल है, इसका मैंने, आप देख सकते हैं, सारा पानी निकाल दिया है इस छन्नी में डाल के। तो अब इसको हम कोशिश करेंगे कि बिना कुछ डाले हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीसें इस दाल को। इसमें आप कोशिश करें कि पानी बिल्कुल भी यूज ना करें, और दाल अगर आपकी ओवरनाइट सोक्ड है ना तो बेस्ट है। बट अगर आप थोड़ी जल्दबाजी में हैं, टाइम कम है, तो आप इसको 4 घंटे के लिए भी सोक कर सकते हैं, गर्म पानी में 4 घंटे के लिए सोक कर दीजिएगा। बट जो ओवरनाइट वाली जो दाल सोक्ड होती है ना, उसमें मेहनत तो कुछ लगती नहीं है, बस थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत होती है और टाइम अपना काम खुद ब खुद करता है। और वैसे भी किसी ने सही कहा है, जल्दी के काम शैतान के होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सारी दाल मिक्सर ग्राइंडर में डाल दी है, और इस टाइम पे मैं इसमें बिना कुछ डाले, कोई नमक नहीं डालूंगी, कुछ नहीं डालूंगी, और इसको बिना पानी डाले कोशिश करूंगी कि पानी डालने की जरूरत ना पड़े। बट अगर जरूरत पड़ती है तो आप 1 से 2 चम्मच पानी इसमें डाल के इसको पीस सकते हैं। तो अभी ये जो दाल है ये पूरी अच्छी तरह नहीं पिसी है, आप देख सकते हैं। तो यही कुछ बातें हैं जो छोटी छोटी बातें होती हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छे से स्क्रैप करना है, जो कि साइड में जो दाल है ना वो बीच में सेंटर में जा सके और वो भी अच्छे से पिस सके। बिल्कुल भी मैंने अभी तक इसमें पानी नहीं डाला है। और जब आप इसका पानी स्ट्रेन आउट भी करें ना, तो बस 5-10 मिनट के लिए छलनी पे रख दीजिए दाल को। तो ऐसा भी नहीं है कि दाल बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, और ऐसा भी नहीं है कि उसमें पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, एक स्टेज ऐसी भी आएगी कि जो दाल है ना वो अंदर जाएगी ही नहीं, अंदर एयर होगी और ये ऊपर ही ऊपर रहेगी। तो इस टाइम पे आप देख सकते हैं, ये बहुत, दाल मेरी पिस तो गई है लेकिन अभी मैं, बहुत हार्ड है, ये घूम भी नहीं पा रहा है जो इसका मिक्सर का ब्लेड है। तो इस टाइम पे मैं इसमें सिर्फ 2 चम्मच जितना पानी ऐड करूंगी, बस मैं 2 चम्मच जितना पानी डालूंगी, और इसको स्पैचुला से थोड़ा सा अंदर तक, क्योंकि अंदर अगर कुछ भी वाटरी नहीं होगा तो जो अंदर ब्लेड्स हैं वो अच्छे से रोटेट नहीं हो पाएंगे मिक्सर ग्राइंडर के। शायद ये बातें आपको नहीं कोई बताता होगा, बस सब यही बताते हैं कि दाल को अच्छे से पीसना है। इसको हम चिकना कर लेंगे दाल को। अब ये जो दाल है ये अच्छे से पिस गई है, और अब मैं इस पूरी दाल को निकालूंगी इस तरह की परात में या कोई भी बड़ी प्लेट में, जिसमें आपका हाथ जो है ना वो इजीली चल सके और आप इजीली काम कर सके इस दाल के साथ। तो देखिए, दाल ऐसी है जैसे कि अगर आप हाथ नीचे करें तो अभी गिर नहीं रही है दाल। देखिए, अगर बहुत गाढ़ी होगी ना तो जो दही बड़े हैं वो आपका दही, चटनी, सौंठ अच्छे से पिएंगे नहीं, और अगर बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाएगी तो वो फ्राई करते टाइम ऑयल सो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे।
तो आपकी जो दाल है उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दही बड़ों में। अगर आप इस मेथड से, अक्सर लोग मिक्सर में ही बहुत देर तक चलाते हैं, उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग विस्क का यूज़ करते हैं, बट आज सिर्फ इस हाथ की मदद से मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको बीट करना कितना आसान है। तो हम इसको इस तरह से किसी भी एक डायरेक्शन आप डिसाइड कर लीजिए जिसमें भी कन्वीनियंट हो आप हाथ चलाने में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हमें फेंटना है। जब आप इसको फेंटना शुरू करेंगे तो ये हल्की सी येलो होगी और जैसे जैसे ये परफेक्ट फिटेगी ना, वैसे वैसे इसका कलर वाइटिश होता जाएगा बिल्कुल। तो इसको हम एक ही डायरेक्शन, मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही हूँ। परात मैंने इसलिए बोला इस तरह की प्लेट क्योंकि वो बड़ी होती है, ईजिली आपका हाथ चल पाता है। आप यही चीज़ किसी भगोने में भी कर सकते हैं। और जब थोड़ी सी मेहनत के बाद आपको ये दही बड़े खाने को मिलेंगे ना, वो भी नर्म नर्म सॉफ्ट सॉफ्ट, तो बस मज़ा आने वाला है। तो देखिए आप इसको इस तरह से चलाइए और फिर इसको इकट्ठी करिए और फिर चलाइए। दही बड़ों की सबसे अच्छी बात तो वैसे ये है कि आप इसको एक दिन पहले, दो दिन पहले भी बड़ों को बना के रख सकते हैं, और जिस दिन आपके गेस्ट या मेहमान या त्यौहार हो उस दिन आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। पहले से अगर कुछ चीज़ें प्रिपेयर्ड होती हैं फेस्टिव सीजन में, जैसे कि हमारे यहाँ तो ये दिवाली पे, करवा चौथ पे, अहोई अष्टमी पे बनते ही बनते हैं, लेकिन अगर आपके यहाँ ये नहीं बनते हैं और आप इनको ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब इस टाइम पे हम इसको इस तरह से उठाएंगे, इसमें थोड़ी सी बूंदे पानी की डाल रही हूँ क्योंकि मेरी ये जो दाल है ना ये अच्छी टाइट हो गई है, तो चलाने में थोड़ा सा हाथ मुश्किल कर रहा था। इस टाइम पे हल्का सा बस आप पानी डाल लें, इसको ऐसे नीचे से उठाएं जिससे कि इसके अंदर खूब एयर आ जाए। तो जैसे जैसे आप इसको बीट करेंगे ना, मतलब फेटेंगे अपने हाथ से, वैसे वैसे इसमें देखिए ये चिकनी होती जाएगी। अब आप कहेंगे उड़द दाल तो वैसे ही चिकनी होती है, लेकिन इस तरह से और ज़्यादा ये शाइन करने लगेगी। अगर आपको बीच में लगता है कि दाल बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही है तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी दाल मेरी पिसी है कि मुझे ये हार्ड लग रही है। अक्सर लोगों की पतली हो जाती है और तब उन्हें दिक्कत होती है फेंटने में। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो दाल है वो थोड़ी सी हार्ड है तो आप उसमें एक चम्मच पानी डाल लें, क्योंकि जो बहुत गाढ़ी दाल होगी उसको फेंटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और हाथ में भी दर्द होगा। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इस तरह नीचे भी कर रही हूँ तो बिल्कुल भी दाल गिर नहीं रही है। तो ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। ये देखिए इस तरह से आप नीचे से ऊपर उठाएंगे ना तो इसमें एयर पॉकेट्स आएंगी। ये देखिए इस तरह, तो हमारी ये दाल बिल्कुल परफेक्ट फिट के तैयार है। चिकनी चिकनी शाइनी दाल उड़द की, और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, ना नमक ना अदरक, कुछ भी नहीं, बिल्कुल प्लेन रखा है। अगर आपने नोटिस किया हो तो हलवाई ना तो कचौड़ियों में कभी नमक डालते हैं, ना टिक्कियों में कभी नमक डालते हैं, और ना ही दही बड़ों में, क्योंकि, और आप कहेंगे फिर ये नमकीन कैसे होंगे, ये तो फीके फीके अच्छे नहीं लगेंगे। तो चिंता मत करिए, हम पहले दही बड़े फ्राई करते हैं और उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगी जिससे कि ये जो दही बड़े हैं ना इसमें आपको नमक का फ्लेवर भी मिलेगा और हींग का भी, जिससे कि ये ईजी टू डाइजेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे गोल गोल दही बड़े बनाने के लिए मैंने लिया है एक कटोरी में पानी। इस पानी में पहले मैं अपने हाथ को थोड़ा सा गीला करूंगी इस तरह से, और फिर मैं ये दाल उठाऊंगी। इससे क्या होगा कि आपके हाथ में ना बिल्कुल भी दाल लगेगी नहीं, देखिए इस तरह से, और फिर ये गोल गोल बनके तैयार हो पाएंगे। तो जैसा भी आपके लिए कन्वीनियंट हो आप उस तरह से कर सकते हैं। और इन दही बड़ों को मैं बना रही हूँ सरसों के तेल, और अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने इसके अंदर क्या डाला है ये, तो ये मैंने इसमें
अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने क्या डाला है तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसमें सरसों के तेल को उसकी महक ना आए उसको फाड़ने के लिए मैंने क्या डाला है। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और तभी बस हमें इसमें पक गया है मेरा सरसों का तेल, ऐसा नहीं है कि पका नहीं है। और इसमें हम अपने ये बॉल्स डालेंगे बड़ों की, कुछ लोग स्पून से भी डालते हैं बट देखिए बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। तो इस तरह से हम डालेंगे, खुद ब खुद जो दही बड़े हैं ना वो फटाफट हिलेंगे डुलेंगे अपने आप। और आप देख सकते हैं कितने डबल हो जा रहे हैं ये साइज से, ये देखिए मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ। तो बस पानी में डिप करना है हाँ, और इनको डालते हैं। एक बार तेल अच्छा गर्म हो जाए ऑफ करके उसको थोड़ा ठंडा करें और फिर अपने दही बड़ों को तलें। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ रहा है कि मैं कितनी छोटी बॉल्स डाल रही हूँ और वो कितनी बड़ी हो जा रही है। आप सोच सकते हैं कि दही बड़े अगर फ्राई करते टाइम इतना डबल हो गए हैं अपने साइज से, तो पानी में डालने के बाद ये कितने ज़्यादा और बड़े हो जाएंगे। अक्सर लोग अपनी रेसिपी में दिखाते हैं कि पानी में डालिए दाल का थोड़ा सा फटी हुई दाल को, और अगर वो ऊपर आ जाती है इसका मतलब दाल अच्छे से फिट गई है। लेकिन आप यकीन मानिए अगर आप 2 मिनट भी दाल को फेटेंगे ना तो वो टेस्ट आपका तब भी पास हो जाएगा। बट तब भी लोगों के ठस बन जाते हैं अगर वो दाल ऊपर भी आ जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया है ना, कम से कम मान के चलिए 8 से 10 मिनट दाल प्लीज फेटिएगा। बहुत ही सिंपल है और आराम आराम से फेटिए, कोई ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस आपको 10 मिनट फेटनी है, 2 मिनट फेटनी फिर ब्रेक दे दिया फिर 2 मिनट। बहुत ही अमेजिंग बने हैं। इनफैक्ट इसी तरह से मैंने इसी में थोड़े से ट्विस्ट करके मैंने बनाए हैं सांबर वड़े। जी हाँ, वड़े जो गर्मा गर्म साउथ इंडियन वाले वड़े होते हैं ना जो सांबर के साथ खाते हैं, उसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे डाली है, तो उसका लिंक भी डिस्प्ले हो रहा होगा, आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। वो भी बिल्कुल बिना मशीन के कैसे परफेक्ट वड़े बन के तैयार हो जाते हैं ना, वो आप देखेंगे उसमें। फ्रेंड्स अगर आपको सरल सात्विक में दिखाई जाने वाली रेसिपीज पसंद आती हैं और आप और ज़्यादा रेसिपीज देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करते रहा करिए, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। लाइक कीजिए हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी करें और अपने लव वंस के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें हमारी रेसिपीज। कह सकता है कि ये सिर्फ फ्राइड बड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि पानी में से निकालने के बाद इनका साइज इतना डबल हो गया है। इनको निकाल दूंगी और मैं इनको अभी आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कितने यमी और जालीदार बने हैं अंदर से, क्योंकि अंदर से जाली होगी और आप देख भी सकते हैं कि ये बिल्कुल भी ऑयल नहीं पी रहे हैं। इसीलिए मैंने इनफैक्ट स्टील की प्लेट में इनको निकाल रही हूँ, जिससे कि आपको दिखा सकूँ कि इन्होंने कितना ऑयल ऊज आउट किया है। रसगुल्लों की तरह, गुलाब गोलगप्पों की तरह लग रही है, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट, बहुत ही बड़े बड़े मज़ेदार। तो इसी तरह मैं अपने और भी दही बड़े तैयार कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट बनी है, दबा रही हूँ वापस से उसी शेप में ही आ जाएंगे। ये देखिए कितनी परफेक्ट जाली बनी, आप देख सकते हैं। ये सब किसका कमाल है, जो हमने दाल इतनी अच्छे से फेटी थी ना, ये उसी का कमाल है। ये पोर्स बता रहे हैं कि जब आप इनको पानी में डालेंगे, दही डालेंगे इसके ऊपर, तो ये कितने अच्छे से सारे फ्लेवर्स को अपने अंदर रख लेगा इन्हीं पॉकेट्स में छुपा करके। तो फ्रेंड्स दही वड़े का बहुत बड़ा काम है वड़ों को परफेक्ट बनाना। तो अब बहुत इसके बाद यही कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अब इसके बाद दूसरा स्टेप जो मेन स्टेप है वो है इसके अंदर फ्लेवर्स कैसे आएंगे। तो वो फ्लेवर्स आएंगे जो मैं आगे स्टेप बता रही हूँ उससे। अगर आप डायरेक्ट इसको ठंडा होने के बाद दही और सौंठ डाल देंगे ना, या मीठी चटनी डाल देंगे, तो उससे वो फ्लेवर्स नहीं आएंगे। तो वो कौन सा वो स्टेप है, तो वो हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बाउल लिया है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पानी। तो ये पानी जो है वो बिल्कुल रेगुलर टैप वाटर है, मतलब
फिल्टर्ड पानी है, अगर बहुत ठंडा है तो आप इसको हल्का सा, बस गुनगुना भी नहीं मैं कहूँगी, बस हल्का सा आप इसको सील उतरा कर सकते हैं, मतलब हल्का सा, ना ये ठंडा रहे ना गर्म रहे, बस उस टेम्परेचर का ये पानी होना चाहिए। और इसमें मैं ऐड करूँगी नमक, और साथ में इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैं इस पानी में ऐड करूँगी हींग। तो हींग आप थोड़ी सी डालें, क्योंकि बाद में जो हम इसके ऊपर मसाला डालेंगे या जो दही और मीठी अमचूर की चटनी डालेंगे ना, तो उसमें भी बहुत हींग है। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डाली है मैंने, बस चुटकी भर डाली है, क्योंकि मेरी जो हींग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसको हम नमक और हींग सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और अब मैं इसमें ये अपने जो वड़े हमने बनाए हैं ना वो इसमें डाल दूँगी। तो ये जैसे जैसे सोक करेंगे ना वैसे वैसे ये नीचे बैठ जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं ये फ्लोट कर रहे हैं। तो मैंने कांच का बर्तन इसलिए लिया है जिससे कि मैं आपको इसको साइड से दिखा सकूं, जब ये अच्छे से सोक हो जाएंगे तो ये कितने बड़े हो जाएंगे। बट अदरवाइज आप इसको स्टील के किसी भी बड़े बर्तन में कर सकते हैं जिसमें ये सारे के सारे एडजस्ट हो सके। तो यहाँ पे मेरे पास अभी बचे हैं तो मैंने आधे ही इसमें डाले हैं, तो लगभग इस आधी, मतलब अगर आप कप से मेजर करें तो आधे कप उड़द की दाल में मेरे पास ये 16 वड़े, अच्छे साइज़ के वड़े बनके तैयार हुए हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितने वड़े बनाने हैं आप उतनी दाल की क्वांटिटी रख सकते हैं। तो हम इसको अच्छे से सोक होने देंगे, अच्छे से ये फूल जाएंगे, पानी अच्छे से अंदर तक इसमें आ जाएगा, तब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अगर आपके पास टाइम हो, आपको नेक्स्ट डे इनको सर्व करना है, तो आप इनको इसी तरह, अगर वेदर अच्छा है तो किचन टॉप पे ही छोड़ दें, अदरवाइज फ्रिज में इनको ऐसे ही छोड़ दें जिससे कि ये अच्छे से बिल्कुल नर्म हो जाएंगे। तो देखिए ये वड़े जो हैं ये मैंने इनको ओवरनाइट छोड़ दिया था, और मैं आपको दिखाऊंगी क्या डिफरेंस है। जो फ्राइड वड़े थे आप देखिए, मैंने आधा बैच ही इसमें सोक किया था, तो देखिए कितने छोटे हैं, और देखिए बहुत ही नर्म है। देखिए इनमें से कितना पानी ऊज आउट हो रहा है। वापस मैं डालूंगी तो दोबारा ये अपनी शेप को जो है फिर से इनमें पानी भर जाएगा। बहुत ही सॉफ्ट लाजवाब बने हैं। अक्सर आपने देखा होगा दुकानदार भी इनको तोड़ के और फिर दही चटनी डाल के देते हैं, लेकिन यकीन मानिए इतने सॉफ्ट मेल्ट एंड माउथ बने हैं ना कि इनको आपको तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको जैसे मैंने फ्राइड वाले तोड़ के दिखाए थे, मैं इनको भी तोड़ के दिखाऊंगी आपको कि ये अंदर से कैसे बने हैं। कहीं भी इनमें गांठ नहीं है, और जाली देखिए एज इट इज है। देखिए ये फ्राइड वालों की जाली थी और ये सोक्ड वालों की जाली है। जैसे होल्स, एयर पॉकेट्स इनमें थे फ्राइड वालों में, वैसे ही आपको इनमें देखने को मिलेंगे। और बस अब असेंबल करना तो हम सब जानते हैं, क्योंकि अगर हमने बनाया नहीं है तो हमने बनते हुए ज़रूर देखा है दुकानों पे। तो यहाँ पे मेरे पास है ये दही जिसको मैंने अच्छे से विस्क कर दिया है जिससे कि वो क्रीमी हो जाए। इस दही में डालूंगी मैं थोड़ी सी हींग। ये देखिए हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है, और ये उड़द दाल के वड़े हैं तो बहुत जो डाइजेशन है वो इजी हो जाता है। साथ ही मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, तो नमक हमारी मीठी चटनी में भी सही होगा, तो इसलिए मैं इसमें दही में नमक डाल रही हूँ। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा पाउडर, और दही में एक मिठास रखने के लिए कोशिश करिएगा कि आप फ्रेश दही लें, लेकिन इसमें बिल्कुल मार्केट वाला जैसा मिलता है ना, तो मैं एक टेबलस्पून जितना डाल रही हूँ इसमें पिसी हुई चीनी। तो चीनी पिसी हुई ही लीजिएगा, अदरवाइज मेल्ट होने में चीनी को टाइम लगेगा क्योंकि दही हमारा ठंडा है। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और दही की कंसिस्टेंसी यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए दही। अगर दही थिक होगा, देखिए अगर दही थिक होगा तो हमारे जो वड़े हैं वो अच्छे से अंदर तक उसको सोक नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं इसको अच्छे से दबाऊंगी, तोड़ना नहीं है बस दबाना है, और इसमें मैं डिप कर दूंगी। तो आपने पानी में डलने के बाद तो दही बड़ों को डबल होते हुए देखा होगा, लेकिन आज आपने मेरी इस रेसिपी में देखा कि कैसे फ्राई करने के बाद भी वो बिल्कुल डबल हो जाते हैं साइज में। फ्राई करने से पहले जो मेरी बॉल का साइज था
फ्राई करने के बाद डबल हुआ और जब मैंने उसको सोक किया पानी में तब वो और ज्यादा डबल हो गया। तो इस दही को मैं इन वड़ों पे डाल दूंगी अच्छे से, तो बिल्कुल मार्केट वाली फील देने के लिए आज मैं इनको सर्व कर रही हूँ इस पत्तल वाले दोने में। तो देखिए जब आपका ये दही बड़ा दही में डाक करके अच्छे से फूल जाएगा ना, तो आप इसको इसमें प्लेस करिएगा। तो यहाँ तक तो आप इसको पहले से रेडी करके रख सकते हैं और जब भी आपको सर्व करना हो तब आप इसमें डालें ये अमचूर की खट्टी मीठी चटनी की। देखिए इसमें मैं डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च, अनार के दाने और थोड़ा सा हरा धनिया। आप इस पे अदरक की जूलियंस भी डाल सकते हैं, कद्दूकस किया हुआ गाजर भी डाल सकते हैं, वो सब चीज़ें ऑप्शनल हैं। बट यकीन मानिए आप सुंदर इसको कितना भी बना दें, अगर दही बड़े आपके स्पॉन्जी फ्लफी रस से भरे हुए नहीं होंगे ना, तो वो सब कुछ फेल हो जाएगा। तो आप मेरी इन बताई हुई ट्रिक्स और टिप्स को ज़रूर फॉलो करें और जालीदार लाइट एंड फ्लफी दही बल्ले बनके तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स अगर आज की आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आप मैं इसको कट करके भी दिखाती हूँ, देखिए बहुत ही लाइट और देखिए आप कहीं भी आपको इसमें गांठ नहीं दिखेगी। सो फ्रेंड्स आई होप आज की आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी टेस्टी हेल्दी येट इजी टू मेक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।